हे गाइस, आई एम अरुण राय। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रेजी स्पोर्ट्स बार। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया टूर ऑफ वेस्ट इंडीज़ की। इंडिया को वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ दो टेस्ट मैच खेलने थे इस सीरीज़ में, जिसका पहला मुकाबला इंडिया ने एक वन साइडेड मैच में 318 रन से जीत लिया है। वेस्ट इंडीज़ ने टॉस जीतकर इंडिया को पहले बैटिंग के लिए इन्वाइट किया। इंडिया ने फर्स्ट इनिंग में 297 रन बनाए। इंडिया की तरफ से अजिंक्य रहाणे ने 81 रन की, कैप्टन विराट कोहली ने 58 रन की और केएल राहुल ने 44 रन की पारी खेली। केएल राहुल को एक बार फिर मौका था जहां पे वो अपने एक स्कोर को बड़े रन में कन्वर्ट कर सकते थे, बट एक लूज शॉट खेलने के प्रयास में उन्होंने अपना विकेट गंवा दिया। वेस्ट इंडीज़ की तरफ से केमार रोज ने 4 विकेट, शैनन गैब्रियल ने 3 विकेट, रॉस्टन चेज ने 2 विकेट और कैप्टन जेसन होल्डर ने 1 विकेट लिया। वहीं वेस्ट इंडीज़ की फर्स्ट इनिंग में रॉस्टन चेज ने 48, शेमरन हेटमायर ने 35 और जेसन होल्डर ने 39 का कंट्रीब्यूशन किया। वहीं इंडिया के तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा ने 5 विकेट लेकर के वेस्ट इंडीज़ की पूरी बैटिंग लाइनअप को 222 पर ऑल आउट कर दिया। इंडिया के लिए सेकेंड इनिंग में अजिंक्य रहाणे ने 102 रन की इनिंग खेली और टेस्ट क्रिकेट में 2 साल के बाद उनकी ये पहली 10 सेंचुरी थी। वहीं हनुमा विहारी ने भी एक 93 रन की इंपॉर्टेंट पारी खेली, पर वो 7 रन से अपनी पहली मेडन सेंचुरी से चूक गए। वहीं कैप्टन कोहली ने भी एक 51 रन की इंपॉर्टेंट पारी खेली और वहीं जो केएल राहुल थे उन्हें एक बार फिर से एक इंपॉर्टेंट स्टार्ट और एक स्टेबल स्टार्ट मिला था, जहां पे उन्होंने 38 रन की इनिंग खेली, बट वो इस अपॉर्चुनिटी को भी एक बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पाए। उन्हें ये जानना ज़रूरी है कि उन्हें जो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं ओपन करने की, वो इसलिए मिल रही है क्योंकि पृथ्वी शॉ इंजर्ड और सस्पेंड है, इसलिए वो खेल नहीं रहे हैं। तो उन्हें ये जो मौके उन्हें दिए जा रहे हैं उन्हें दोनों हाथों से ग्रैब करके अपना स्लॉट जो है इंडियन बैटिंग लाइनअप में वो एकदम पक्का कर लेना चाहिए। स्टोरी पंत के लिए अप्लाई होती है। वो दोनों ही इनिंग्स में एक रैश शॉट खेलते हुए एक लूज शॉट खेलते हुए अपना विकेट गंवा गए और वो कोई भी स्कोर इंडिया के लिए नहीं कर पाए, बड़ा स्कोर नहीं कर पाए। बट जो कंसर्न पॉइंट है वो इंडिया का ओपनिंग स्लॉट है, जहां पर केएल राहुल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं और वहीं जो ऋषभ पंत को मौके दे रहे हैं वो भी उन्हें भुना नहीं पा रहे हैं। और इंडिया ने सेकेंड इनिंग को 343 फॉर 7 पर डिक्लेयर कर दिया और पहले इनिंग की 75 रन की लीड और इस 343 के साथ इंडिया ने वेस्ट इंडीज़ के लिए सेकेंड इनिंग में एक 418 रन का बिग टारगेट सेट किया। वहीं इंडियन फास्ट बॉलर्स की शानदार परफॉर्मेंस की वजह से वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग लाइनअप 100 रन पर ऑल आउट हो गई। इंडिया के लिए जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट, ईशांत शर्मा ने 3 विकेट और मोहम्मद शामी ने 2 विकेट चटकाए। इंडिया ने टेस्ट मैच 318 रन से जीत लिया है। वहीं इंडिया ने इस शानदार जीत के साथ आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में 60 पॉइंट अर्न किए हैं। अब बात करते हैं सेकंड टेस्ट मैच की, जहां पे वेस्ट इंडीज ने एक बार फिर टॉस जीत करके इंडियन टीम को एक मुश्किल पिच पर पहले बैटिंग करने के लिए इन्वाइट किया। इंडिया ने पहली इनिंग में 416 रन बनाए। इंडिया की तरफ से ओपनर मयंक अग्रवाल ने 55 रन, कैप्टन विराट कोहली ने 76 रन और हनुमा विहारी ने 111 रन की पारी खेली, जो कि उनकी टेस्ट क्रिकेट में पहली मेडन सेंचुरी थी। वहीं 9 नंबर के बल्लेबाज ईशांत शर्मा ने 57 रन की इनिंग खेली, जो कि टेस्ट क्रिकेट में उनका हाईएस्ट स्कोर है और पहली हाफ सेंचुरी भी है। वहीं वेस्ट इंडीज़ की तरफ से कैप्टन जेसन होल्डर एकमात्र गेंदबाज थे जिन्होंने इंडियन बैट्समैन को परेशान किया अपनी कंसिस्टेंट लाइन और लेंथ से। उन्होंने 5 विकेट चटकाए और वहीं स्पिनर रखीम कॉनवेल ने भी 3 विकेट चटकाए। वहीं दूसरे दिन के खेल की समाप्ति हुई, वेस्ट इंडीज का फर्स्ट इनिंग में स्कोर था 87 फॉर 7। इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने 6 विकेट लेकर के वेस्ट इंडीज बैटिंग लाइनअप की कमर ही तोड़ दी। जसप्रीत बुमराह हरभजन सिंह और इरफान पठान के बाद टेस्ट क्रिकेट में इंडिया के लिए हैट्रिक लेने वाले तीसरे गेंदबाज बने। उन्होंने 8वें ओवर की दूसरी, तीसरी और चौथी गेंद पर डैरन ब्रावो, शावा ब्रुक्स और ऑस्टिन चेज का विकेट लेकर के ये कारनामा कर दिखाया। इंडिया के पास दूसरे दिन के समाप्त होने पर 329 रन की लीड है और इसके साथ ही इंडिया ने इस टेस्ट मैच पर भी अपनी पकड़ बना ली है। वेदर फोरकास्ट की माने तो इस टेस्ट मैच में बारिश होने के आसार है और इंडिया वेस्टइंडीज की दोनों ही बैटिंग इनिंग को जल्दी से जल्दी समाप्त करके इस टेस्ट सीरीज को क्लीन स्वीप करना चाहेगी। आपको आज का मेरा एपिसोड कैसा लगा, प्लीज़ मेंशन योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी इन इंस्टाग्राम एंड द लिंक इज मेंशन इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।